शेख साहब। शेख साहब, जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो बरखुरदार। वो शेख साहब, मैं सोच रहा था ना कि ओमान शिफ्ट कर जाता हूँ, तो इस सिलसिले में सोचा आपसे एक बार मशवरा कर लूँ। तो जरूर शेख साहब, वो आप पहले मतलब ये बात करनी थी कि करना क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने ना असल में एक लैपटॉप पे एक वेबसाइट देखी है, तो आप जरा दो मिनट देख करके बताते कि जेन्युइन वेबसाइट है नहीं है, क्या है वो। चलो। या फिर ओमान जाके क्या करूंगा, जयपुर भी अच्छा है, वो रहूंगा तो जैसलमेर चला जाऊंगा, ओमान कौन जाएगा। रहने देते हैं शेख साहब। बिट्टू, ये तो सेम वैसा ही बोर्ड है ना जैसे हमने शेख साहब के कमरे में देखा था। हाँ चीजी माँ, इस बोर्ड से तो आत्मा ही बुलाते। हाँ पर ये बोर्ड पापा के कमरे में क्या कर रहा है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बोर्ड आपके कमरे में क्या कर रहा है? इससे तो आत्माएं बुलाई जाती है ना। तुम दोनों मेरी अलमारी के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे? पापा बताइए ना प्लीज। देखिए हमसे कुछ मत छुपाइए, आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, प्लीज सच बताइए क्या है। पापा प्लीज बताइए। इस बोर्ड के द्वारा मैं उत्तरा की आत्मा से बात करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उनकी आवाज सुनी है? हाँ मैंने उत्तरा की आवाज सुनी है। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम शेख साहब से पूछ लो। शेख साहब ही तो आत्मा को बुलाते और मेरी उत्तरा से बात कराते, उन्होंने भी उत्तरा की आवाज सुनी है, तुम उनसे पूछ सकती हो। पापा अगर आपको हमारी बातों से बुरा लगा हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। सॉरी पापा। तुझे क्या लगता है बिट्टू, अगर पापा ने शेख साहब को सासुमा के बारे में बताया भी होगा तो शेख साहब सासुमा की आवाज कैसे निकाल पा रहे हैं? उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग सुनाई होगी पापा को। अब वो कैसे आई होगी उनके पास? बिट्टू पूजा का समय हो रहा है, तू तैयारियां देख, विधान के साथ मिलके सबको पूजा में लगा के रखना, काम में लगा के रखना सबको, ठीक है? मैं शेख साहब के कमरे में फिर से जाती हूँ और तलाशी लेती हूँ। पता तो लगाना पड़ेगा कि शेख साहब सासू माँ की आवाज निकाल कैसे रहे हैं, पापा को उनकी आवाज कैसे सुना रहे हैं। जा होने वाली भाभी जी कहाँ फंसी हुई हैं? छोड़िए, अरे अगर लेगा ये सब, आप चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं आपका। विधान, I'm really sorry, मैं तुमने जो लिस्ट दी थी उसमें से सिर्फ एक दो चीजें ही बना पाई। ठीक है, आप भाभी माँ थोड़ी ना, नहीं मतलब आप फाल्गुनी जी थोड़ी ना है, दो लोग जुड़वा हो तो जरूरी नहीं कि एक जैसे हो सकते हैं। अगर शेख साहब को कुछ छुपाना ही होगा तो वो खुले में थोड़ी छुपाएंगे, जरूर कोई खुफिया तिजोरी बनाई हो या खुफिया जगह होगी कोई। चलो, फाल्गुनी बच्चा दिखाई नहीं देते क्या? पूजा फाल्गुनी बच्चे के बगैर करेंगे? वो यहाँ आके क्या करेंगे शेख साहब? पूजा तो वैसे भी किट्टू चीजी माँ और चीजू को ही करनी है। हाँ वो नहीं आ रही है तो ठीक है, हम क्यों जिद करें? मुझे लगा था कि मिट्टू खुशी खुशी शादी स्वीकार कर रही है, शायद मैं ही गलत थी। प्याली,
फाल्गुनी ने तुम्हारे और सुरेश के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब उससे ये उम्मीद करना कि वो हर जगह दिल लगा के शामिल हो, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। देवी माँ, मेरी जीजी माँ की मदद कर दो। उन्हें कोई सपूत दिला दो जिससे वो चीचू और पियाली की शादी रोक सके। इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे सही कर सके। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने दिन सब चल रहा था तो फाल्गुनी को कोई एतराज नहीं था, और आज देवी की पूजा में वो अलग रहना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी बात पर शक हो गया है। पहले फाल्गुनी नहीं आई और अब ये उत्तरा देवी यहां से निकल रही है। आखिर बात क्या है? शेख साहब के फेस में पता नहीं कौन है। उनकी दाढ़ी नकली है। फाल्गुनी का कड़ा शेख साहब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसे मुझ पे शक हो गया है क्या? शक तो हुआ है इसे मुझ पर, वरना ये मेरे कमरे में नहीं आती। पर ये कैसे पता चले कि
इसे मेरा वो छुपाया हुआ बक्सा दिखा था या नहीं। शेख साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना पूजा में चलते हैं। हाँ पता नहीं इस नकली दाढ़ी के पीछे क्या चेहरा है। इसके चेहरे को देख के लग तो नहीं रहा है कि इसे मुझ पर शक हुआ है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, जो सोचा है वो कर लेना पड़ेगा। अगर ये शेख प्याली के साथ मिलकर कोई चाल सोच रहा है तो मुझे इसे रोकना होगा।